चैनल में स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल मिक्स्ड रसा। इसके सामग्री हैं 6 से 8 मटर, छोटे सोयाबीन, 2 आलू बारीक कटी हुई, 2 गाजर बारीक कटी हुई, 1 बैंगन बारीक कटी हुई, आधी फूलगोभी बारीक कटी हुई, 1 टमाटर बारीक कटी हुई, लहसुन प्याज पेस्ट किया हुआ, लहसुन पेस्ट किया हुआ, उड़द की दाल के बड़ी, 1 हरी मिर्च तड़का, सब्जी मसाला, हल्दी, नमक, रिफाइन ऑयल और छोटी मछली कर दिए हैं। ऑन करने के बाद 1 कप तेल डाल दीजिए। डालने के बाद मैंने जो छोटी मछली पहले मैरिनेट करके रखी थी, नमक और हल्दी, इसको मैं थोड़ी सी हल्की सी भून लेती हूँ। अब मेरी छोटी मछली थोड़ी हल्की सी फ्राई होके तैयार है। दाल की बड़ी जो मैंने दी थी वो थोड़ी सी तल लीजिए। तड़का दीजिए। तड़का देने के बाद टमाटर दीजिए। देने के बाद थोड़ी सी लहसुन दीजिए। लहसुन के बाद प्याज दीजिए। देने के बाद थोड़ी थोड़ी आलू, गाजर, सोयाबीन, फूलगोभी, बैंगन में थोड़ी देर बाद दूंगी। डाल के थोड़ी सी हिलाती हूँ और उड़द की दाल की बड़ी थोड़ी सी पकने के बाद मैं डालूंगी, नहीं तो पहले से पक जाती है, गल जाती है, इसीलिए मैं बाद में डालूंगी। अब मैं डालूंगी नमक, हल्दी पाउडर और सब्जी मसाला। अब इसको मैं मिक्स करूंगी। धीमे आंच में इसको थोड़ी सी पकाइए। तलने के बाद एक अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब इसमें 1 कप पानी डाल दीजिए। डालने के बाद अब 15 मिनट के बाद आपका ये जब पक जाएगा, 15 मिनट के बाद देखिए अब कैसे एक अच्छा सा कलर आने लगा है। इसमें अब डालिएगा उड़द दाल की बड़ी, एक हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक डाल के इसको और 5 से 10 मिनट थोड़ा पकने के लिए दीजिएगा, जब तक उड़द दाल की बड़ी पक ना जाए। उड़द दाल की बड़ी पक गई है। अब जो मैंने पहले से छोटी मछली भून के तल के रखी हुई थी वो छोटी मछली मैं अब इसमें डाल देती हूँ। डालने के बाद अब इसको थोड़ा सा हिलाइए। हिलाने के बाद अब देखिए अच्छी तरह से एक कलर और बहुत अच्छी सेंट आ रही है। और उतारने से पहले आप थोड़ी सी नींबू की रस जो मैंने डाली है इसको अच्छे तरह से मिला लीजिए। मिलाने के बाद अब मेरी फिश वेजिटेबल मिक्स बन के तैयार है। मेरा वेजिटेबल रसा बन के तैयार है। अब आप अपने घर पे ट्राई कीजिए और सबको खिलाइए और सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए।